ओम शांति। 1 जनवरी 2020 नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। ये वर्ष हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी हो, हमें अपने लक्ष्य पर, मंजिल पर पहुंचाने वाला हो, यही हमारी भी सबके लिए शुभ भावना है और सबको भी अपने लिए यही शुभकामना रखनी चाहिए। आज बाबा याद पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि योग तुम्हारा बहुत भारी सब्जेक्ट है, इससे तुम्हारी अविनाशी कमाई होती है, तुम हेल्दी बन जाते हो, तुम्हारी आयु बढ़ जाती है, योग में तुम्हें ठंडा हो जाना चाहिए यानी मन शांत हो जाना चाहिए, क्रोध की अग्नि बुझ जानी चाहिए, बहुत भारी कमाई है। इसलिए बाबा कहते हैं, निद्रा को जीतने वाले बच्चों सवेरे उठकर बाप को गुड मॉर्निंग करो, अर्थात योग युक्त हो जाओ, महिमा करो। बाबा हमें माला माल बना देते हैं, क्या से क्या कर देते हैं, कितने रतन दे देते हैं। यहाँ बाप भी है वो और टीचर बनकर आया है, पतित पावन भी है, उसको हम याद नहीं करेंगे तो पतित से पावन कैसे बनेंगे, हमारी सदगति कैसे होगी। बाबा तो हमें बहुत प्यार करता है, हमें भी उससे बहुत प्यार करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं परम पिता निराकार तुम आत्माओं का साजन हूँ, अब तुम्हारी मुझसे सगाई हो गई है तो तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए मेरे से। अपने प्यार को बता रहे हैं, परम धाम में मुझे बेआरामी हो गई, बच्चे पुकार रहे हैं, बच्चे दुखी हो गए हैं, मैं चलूं उनको सुखों का रास्ता बताऊं, उन्हें सुखी करके आऊं, मैं आ गया हूं तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने, फिर तुम्हें सुखधाम में भेज दूंगा बच्चे, वहां मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। याद दिला रहे हैं, शुरू में ही बहुत अच्छी तरह याद दिलाया, तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, ओम शांति कहा, तत्त्वम मैं भी शांति का सागर हूं, तुम भी शांत स्वरूप हो, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तुम्हारा घर परम धाम है, तुम वहां से इस धरा पर पार्ट बजाने आए हो, मेरा भी पार्ट है इस सृष्टि में तुम्हें राजयोग सिखाने का, संसार में किसी को पता नहीं कि ईश्वर का भी पार्ट होता है क्या, उन्होंने तो श्री कृष्ण का पाठ दिखा दिया है। बाबा कहते बच्चे नहीं, राजयोग सिखाने का पाठ श्री कृष्ण का नहीं है, वो मुझ निराकार बाप का है, मैं ही आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम मुझे बहुत प्यार से याद करो, जितने मुझे याद करोगे तुम्हें करंट मिलती जाएगी, सकास मिलेगी ऑटोमेटिकली और तुम पावन बनते जाओगे, तुम्हारी आत्मा ठंडी होती जाएगी, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। तो बहुत सुंदर कमाई का समय है, बाबा आया है हमें कमाई कराने के लिए, हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। बार बार बाबा कह रहे हैं, बहुत प्यार से मुझे याद करो, मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले चलने आया हूँ, तुम्हें स्वर्ग की राजाई देने आया हूँ, अब तुम ज्ञान और योग से अपना सूर्य वंश, चंद्र वंश घराना स्थापित कर रहे हो, राज स्थापित कर रहे हो, तो ये बड़ी सब्जेक्ट है योग की, इस पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है, इसमें अलबेले नहीं होना है। ज्ञान की बात पुनः पुनः बाबा सिखाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, तुम्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हें सारा ज्ञान दे देता हूँ, तो तुम्हें इस चिंतन में बहुत अच्छा रहना है, हम क्या थे, कैसे कैसे नीचे उतरे, उतर कर अब कहाँ आ गए, अब फिर से बाबा आया है हमें मनुष्य देवता बनाने के लिए।
तुम्हें दूसरों को ज्ञान देना है। जितने तुम आत्मभिमानी होंगे तुम्हारा तीर ज्यादा लगेगा, अर्थात दूसरों पर ज्ञान का प्रभाव तुरंत पड़ेगा। ये बाबा बहुत अच्छी बात हमें हमेशा ही सिखाते हैं। इसलिए जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास करना चाहिए, पहले से ही करना चाहिए। भले ही शरीर बहन का हो लेकिन तुम्हें सभी को मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखनी है। न स्त्री का शरीर देखना है न पुरुष का, तुम्हें तो आत्माएं देखनी है। ये बहुत अच्छा तुम्हारा अभ्यास हो तब सेवाओं में तुम्हारा बहुत अच्छा तीर दूसरों को लगेगा। तो मैं तुम्हें सेवाओं की विधि बताता हूँ, मैं तुम्हें पावन बनने की विधि बताता हूँ, दुखों से छूटने की विधि बताता हूँ। अब तुम मुझे बहुत याद करो, मैं आया हूँ तुम्हें माला माल बनाने के लिए। तो हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। बाबा हमें सिखा रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा ने तुम्हें तुम्हारे नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है, तुम्हें हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। इस पुरानी देह का जो ममत्व तुम्हें हो गया है इसे छोड़ते जाओ। देह की दुनिया, देह की वस्तुएं और इस देह से तुम्हें ममत्व मिटाते चलना है, क्योंकि आत्मा इस देह में सदा रही है। ये देह पांच तत्वों का बना हुआ है तो इसमें बहुत ममत्व हो गया, जैसे कि ये शरीर आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा इसे छोड़ना नहीं चाहती है। पर मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें श्रेष्ठ सत्वप्रधान पावन शरीर मिलने वाला है, इसलिए अशरीरी होने का अभ्यास करो और दूसरों की देह पर भी जरा भी दृष्टि न जाए, इसका तुम्हें बहुत अच्छा अभ्यास करना है। तो तुम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करोगे, तुम्हें सबको ज्ञान देना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरी है, बाबा ने वरदान में तुम्हें ज्ञान रत्न दिए हैं, भंडारे भरपूर किए हैं, तुम्हें भी दूसरों को देना है। तुम समझ जाएंगे कौन अपने कुल का है कौन अपने कुल का नहीं है। जो अपने कुल का होगा वे तो ज्ञान सुनकर ठंडे होते जाएंगे, अपार खुशी में होते जाएंगे। वरदान बाबा दिला रहे हैं, याद करा रहे हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से। तुम्हें बाप को प्रत्यक्ष करना है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म स्थूल श्रेष्ठ कर्म हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा होने वाले कर्म हो, चाहे वो वाचा के द्वारा होने वाले कर्म हो, क्योंकि हमारी आंतरिक स्थिति का प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे कर्म ही होते हैं। और संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है नैनों में भी पवित्रता हो, ये रूहानियत की स्थिति है। और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, नैनों में भी और मुख पर भी। तो आज सारा दिन हम चिंतन करेंगे, हमें अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, सवेरे सवेरे उठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। और मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ये अभ्यास करेंगे। साथ में आत्मिक दृष्टि का भी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.